dear students, I will be sure to teach you. Dear students, we have already taught about in chapter 3 a following topics. What is PowerPoint introduction and PowerPoint, what is slide starter view, and types of slide starter view, use of slide starter view, any topics. Today we will know about rearranging slides. आज हम ये जानना चाहेंगे कि slides क्या है, rearranging slide क्या है. You can rearranging the order of slide in normal, outline and slide starter view. You can rearrange the order of slide. You can rearrange the order of slide in normal. आप normal slide में जो भी चीजें हैं उसे कैसे rearrange कर सकते हैं, तो आप इन normal में भी कर सकते हैं उसे rearrange, outline में भी कर सकते हैं, slide starter view में भी कर सकते हैं. आप तीनों view में उसे rearrange कर सकते हैं. इसके पहले भी हमने आपको मतलब in the previous video we have we will taught about slide starter view. हमने आपको बताया थे बहुत सारे slide starter view बताए थे, उसमें हमने आपको जैसे slide starter view, slide show view और उसके बाद notes, page view, reading view, ये सारे views के विषय में बताए थे आपको. तो यहाँ भी rearrange कैसे होगा, इसके लिए किस order में होगा, मतलब slide के किस order में आप rearrange कर सकते हैं. तो फर्स्ट नॉर्मल, आउटलाइन एंड स्लाइड स्टार्टर व्यू में आप रीअरेंज कर सकते हैं. रीअरेंज कैसे करेंगे, टू रीअरेंज आर स्लाइड इन नॉर्मल व्यू. यदि आप नॉर्मल व्यू में रीअरेंजिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, नॉर्मल व्यू में रीअरेंजिंग करने के लिए फॉलो करेंगे स्टेप्स. आप निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट, ओपन द प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू. आप प्रेजेंटेशन का यूज किए भी होंगे, नहीं भी किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं किए होंगे, लेकिन आप सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे. जो आपने पावर पॉइंट में स्लाइड बनाई होगी, बहुत सारे स्लाइडों का कलेक्शन ही प्रेजेंटेशन कहलाता है. जैसे कोई भी पिक्चर्स हुआ, कोई टेक्स्ट मैटर हुआ, आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग या अपनी जो भी आप चूज करना चाहते हैं, यू वांट रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आप जो भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, उस प्रेजेंटेशन को आप नॉर्मल व्यू में ओपन कीजिए. सेलेक्ट ए स्लाइड फ्रॉम टू स्लाइड नेविगेशन पैन. नेविगेशन पैन राइट साइड में ऐसे शू करती है, उसमें भी ऐसे पैन से विच यू वॉन्ट टू, सॉरी लेफ्ट साइड में नेविगेशन पैन जो शो करती है उसमें से आप उसे चूज कीजिए और विच यू वांट टू मूव, किस जगह पे आप उसे मूव करना चाहते हैं आप उसे चूज कीजिए. पहले सेलेक्ट ए स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन, आप उसे सेलेक्ट कीजिए नेविगेशन पैन से विच यू वांट टू मूव, जिसे आप जिस स्लाइड को आप कहीं भी मूव करना चाहते हैं. ड्रैग द सेलेक्टेड स्लाइड टू द लोकेशन यू वांट टू, आप उसे किस प्लेस पे ले जाना चाहते हैं. सपोज आप थर्ड स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं या फर्स्ट स्लाइड को लास्ट स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करके न्यू लोकेशन पर ले जा सकते हैं. जैसे इस तरह से देखिए, ये आपका नेविगेशन पैन होता है लेफ्ट साइड में. ये देखिए आपका, आपने यहाँ इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्लाइड, स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया, ड्रैग द न्यू लोकेशन. अब ये फर्स्ट लोकेशन पे आपकी स्लाइड दिख रही है, सेकंड यहाँ देख रहे हैं, ये आ गई आपकी सेकंड लोकेशन पर. यानी जो फर्स्ट सेकंड लोकेशन की स्लाइड थी वो फर्स्ट पे चली गई और जो सेकंड लोकेशन की स्लाइड थी वो फर्स्ट लोकेशन की स्लाइड थी वो सेकंड पे आ गई. इस तरह से आप टू ड्रैग के अकॉर्डिंग आप स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं. रीअरेंज मीन्स पुनः व्यवस्थित करना, आप स्लाइडों को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं. नेक्स्ट, नेविगेशन फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड. आप
नेविगेशन में स्लाइड टू स्लाइड कैसे वर्क करते हैं? देयर आर सेवरल वेज टू नेविगेशन फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड. ये बहुत सारे विभिन्न तरीके होते हैं इसके. व्हेन यू आर एडिटिंग योर प्रेजेंटेशन, आप कब उसे एडिटिंग करना चाहते हैं? द मेथड यू चूज डिपेंड ऑन द व्यू विच इज करंटली एक्टिव. उस समय कौन सी व्यू करंट में आपके वर्तमान में एक्टिव है? आइदर द कीबोर्ड आर द माउस कैन बी यूज टू नेविगेट द स्लाइड. आप माउस या कीबोर्ड का यूज करके किसी भी स्लाइड को कहीं से भी मूव कर सकते हैं. दैट मीन्स नेविगेशन में कहीं भी ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूजिंग द कीबोर्ड. कीबोर्ड के अकॉर्डिंग आप टू नेविगेट स्लाइड यूजिंग द कीबोर्ड. आप कीबोर्ड के थ्रू कैसे किसी भी स्लाइड को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे इसे मूव कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट टू नेविगेशन, नेविगेटिंग फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड. अभी हमने आपको बताया कैसे करते हैं इसको. कीबोर्ड के थ्रू यदि मुझे करना होता है तो कैसे करेंगे? सम शॉर्टकट्स की होते हैं, यानी कुछ शॉर्टकट्स की टाइप्स आते हैं. यहाँ पर हमने टाइप किए हैं की कॉम्बिनेशन एंड मूवमेंट. की कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसका मूवमेंट क्या होता है, मतलब वो किस साइड मूव करता है. तो की कॉम्बिनेशन में की जब आपके स्पेशल की में होता है, कीबोर्ड के लिए आपको डिफरेंट टाइप आपकी आप डिफरेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड भी जानते होंगे. और उसके बाद कीबोर्ड्स में जो पार्ट्स होते हैं उनको भी आप जानते होंगे. जैसे हमने आपको बताया था कि कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की कितने टाइप्स की होते हैं, अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, स्पेशल की, ये सारी कीज हमने बताए थे. तो उसमें जो स्पेशल की होता है उसमें ये पेज दर पेज जाओ, कंट्रोल हो, कंट्रोल में ये सारी होती है, उसी का यूज करके आप करेंगे. कंट्रोल आपके अल्फाबेट की भी होता है. पेज अप पिच टेक्स यू वन स्लाइड बैक टू एट ए टाइम. पेज अप का यूज यदि करेंगे तो पेज अप से पिच टेक्स यू वन स्लाइड बैक एट ए टाइम. एक समय में एक स्लाइड को बैक हो जाएगा. पेज अप करेंगे पेज डाउन दैट मीन्स नीचे की तरफ जाएगा. इट टेक्स यू वन स्लाइड फॉरवर्ड एट ए टाइम. इसमें क्या होगा कि एक स्लाइड पेज डाउन करने पे फॉरवर्ड होगा, दैट मीन्स आगे की तरफ जाएगा. और यदि आप पेज अप करेंगे तो पेज की तरफ जाएगा. पेज अप मीन्स ये पेज है तो ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स बैक होगा. और इधर की एरिया में करेंगे तो ये फॉरवर्ड होगा. ये होगा आपका फॉरवर्ड, ये होगा आपका बैकवर्ड. क्लियर? नेक्स्ट कंट्रोल प्लस मूव इच टेक्स यू टू द बिगनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन. आप कंट्रोल प्लस मूव कर देंगे तो आप बिगनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन पहुंच जाएंगे, यानी प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे. जो आपकी पहली स्लाइड होगी वहां पर आ जाएंगे. कंट्रोल प्लस एट करेंगे तो इट टेक्स यू द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन. आप प्रेजेंटेशन के लास्ट पे पहुंच जाएंगे. सपोज आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड है वो सिक्स नंबर से है, तो आप बिगनिंग से यदि सिक्स नंबर पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड कीजिए. आप पहले पेज स्लाइड से सीधे सिक्स स्लाइड पे आ जाएंगे. और यदि पहली स्लाइड पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम कर देंगे तो आप सिक्स नंबर वाले स्लाइड से आप फर्स्ट नंबर वाले स्लाइड पर आ जाएंगे. ओके चिल्ड्रन, एंड यू अंडरस्टैंड? ओके. नेक्स्ट ये सम स्कीज है जिसे आप कॉपी पे अपने नोटबुक पे राइट डाउन करिएगा एंड इन्हें लर्न कीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग द माउस. माउस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? यू कैन ऑल्सो यूज द माउस टू स्क्रॉल थ्रू योर प्रेजेंटेशन. आप स्क्रॉलिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. इन द नॉर्मल व्यू द वर्टिकल स्क्रॉल बार ऑल्सो कंटेंट एंड प्रीवियस स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड बटन. You can also click this button to move this previous or next slides. इस तरह से आप स्लाइड को माउस के अकॉर्डिंग जैसे क्लिक करके आप जाते हो कि फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया तो फर्स्ट पे पहुंच गए,
सिक्स पे क्लिक किया तो सिक्स पे पहुंच गया, फोर पे क्लिक किया तो फोर्थ पे पहुंच गया। तो माउस से बहुत ही इजीली वे में आप मूवमेंट कर सकते हो। कीबोर्ड से मूवमेंट करने के लिए आपको शॉर्टकट्स लर्न करने होंगे, बट माउस से मूवमेंट करने के लिए आपको कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लर्न करने होंगे। वर्किंग विद स्लाइड आउटलाइन, द आउटलाइन व्यू इज यूज टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन शॉर्टकट्स, एडिट टेक्स्ट, रीअरेंज देम ऑन द स्लाइड एज पर द रिक्वायरमेंट, हाइड आर सो टेक्स्ट लेवल। आप बहुत सारी चीज़ों को आउटलाइन में कर सकते हो। यहाँ पर जो भी दिए गए हैं उनकी एक्टिविटीज़, जो भी प्रतिक्रिया दी गई है आउटलाइन व्यू की, आप उसका यूज अपने स्लाइड में कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज द आउटलाइन व्यू बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप उसका किसी भी जो आउटलाइन में एक्टिविटी दी गई रहती है आप उसका यूज कैसे करते हैं, तो ये उसका यूज करने के लिए आपकी बुक में ये पेज नंबर 37 पे यहाँ दिया गया है। इसको हमने यहाँ नोट नहीं किया है, बट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट है ओपन एमएस पावर पॉइंट एंड क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। आप ओपन एमएस पावर पॉइंट को ओपन कीजिए और न्यू प्रेजेंटेशन को बनाइए। फ्रॉम द व्यू टैब सेलेक्ट द आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू को सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन इन द प्रेजेंटेशन व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू बुक में आप आउटलाइन को सिलेक्ट कीजिए। क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इन द आउटलाइन पैन, आउटलाइन पैन क्लिक द आइकन ऑफ द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड की जो आउटलाइन पैन है इसमें आप उसे इस आइकन को सिलेक्ट कीजिए। टाइप द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के नेम को आप टाइप कीजिए। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इसका इन्होंने नाम टाइप किया है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर टाइपिंग द नेम प्रेस एंटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेम टाइप करके एंटर, ए न्यू स्लाइड आइकन अपीयर्स, इट मींस ए न्यू स्लाइड हैज बीन एडेड। यहाँ पे इस तरह से एक नई स्लाइड आप एडिट कर सकते हैं इस पे जा करके। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप फाइव आपकी। स्टेप फाइव की देखिए, यू हैव एडेड द टाइटल ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इन द स्टेप फोर। इफ यू वांट टू ऐड सब टाइटल देन यू कैन राइट क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ ए न्यू स्लाइड दैट अपीयर इन स्टेप फोर। ए पॉप मेनू अपीयर, देखिए ये आउटलाइन व्यू है और यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। स्टेप सिक्स में क्लिक ऑन रिमोट ऑप्शन, रिमोट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। द न्यू स्लाइड आइकन डिसअपीयर एंड द कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। कर्सर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेगा ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पे। नाउ यू कैन एडिट ए सब टाइटल, इस तरह से देखिए यहाँ एक सब टाइटल आप ऐड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे दिखाए गए। राइट क्लिक ऑन द आउटलाइन पैन एंड क्लिक द न्यू स्लाइड आर प्रमोट ऑप्शन टू एड ए न्यू स्लाइड। स्टेप एट में सिमिलरली यू कैन क्रिएट द रीसेट ऑफ स्लाइड, रिपीट द एबव स्टेप्स टू क्रिएट मोर स्लाइड एंड कंप्लीटेड द प्रेजेंटेशन। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा स्लाइड को आप यहाँ पे देखिए इस तरह से करके क्लिक करके उसमें और आगे जोड़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन राइट क्लिक ऑन द पार्टिकुलर स्लाइड इन आउटलाइन पैन एंड क्लिक द ऑन द ये दिया है कोलैप्स ऑप्शन। दिस विल कोलैप्स द इंटायर डाटा ऑफ ई स्लाइड टू द स्लाइड टाइटल मेकिंग यू। इस तरह से आप एक बार यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पर एक बार दिया है सिर्फ, और इसके बाद ये सारे में ऑटोमेटिकली लेता चला गया है। तो इस तरह से आप जो भी आउटलाइन व्यू में एक बार इस तरह से दे देंगे वो सेट कर देंगे, वो ऑलरेडी सारे स्लाइड पर आपका लेता चला जाएगा। जिस तरह से आप फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ जिस पे भी करना चाहेंगे वो लेता चला जाएगा। फर्स्टली आप फर्स्ट स्लाइड पर ही जा कर के यदि आप आउटलाइन व्यू में जाके एक्टिविटी यदि पहली स्लाइड पे क्लियर कर देंगे तो सारी स्लाइड पे वो ऑटोमेटिक आउटलाइन व्यू लेता चला जाएगा। जो भी आपको मैटर टाइप करना है, सपोज एक मैटर आप सारे आउटलाइन व्यू में चाहते हैं, जैसे बुक वगैरह में भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये कंप्यूटर से यहाँ पे दिया गया है, एक पे टाइप कर दिया गया है तो सारे पे लेता चला गया। दैट मीन्स ये तो मिरर एंड फुटर के अकॉर्डिंग है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आप आउटलाइन व्यू का यूज करके भी कर सकते हैं। ढेर सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये चैप्टर्स कंप्लीटेड।
this chapter is completed, and next chapter we will start on next day.